मैं जब से कोशिश कर रहा लाइव स्ट्रीम करने की, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। बस गोइंग टू लाइव शो हो रहा है। जब से 9 बजे से स्टार्ट कर लिया, 9:30 होने वाले हैं। पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच चल रही है यहाँ पे। इंस्टा पे चालू है, इंस्टा पे लोग आ रहे हैं अब। हाय यस आनंद, मुनीस, हेलो, कैसे हो? मैं अभी कॉलेज में हूँ, अभी मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ है। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, कल घर जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत आप लोगों के साथ। तो होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग नहीं है, जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक मेरी लाइफ में हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो बहुत गैप में आए हैं, बहुत कम आए हैं। तो अभी तक क्या क्या चलता रहा है और अब क्या होगा, अब कितने वीडियो आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो इन सब के बारे में जानकारी मैं आज आपको दूंगा अपने चैनल के लिए। आज सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ है, आज मेरा एंड सेम एग्ज़ाम था लास्ट, तो आज ख़त्म हो गया। तो अब हम कल से थर्ड ईयर में आ जाएंगे, मतलब ऐसा लोग कहेंगे कि हम ऑफिशियली थर्ड ईयर में आ जाएंगे अब। तो अभी तक केवल और केवल एग्ज़ाम मेरे चलते रहे, तो उसमें लैब रिपोर्ट, असाइनमेंट और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंगेज रहा, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया। और बहुत सारे वीडियो अनएडिट मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं जो मेरे लैपटॉप में हैं, लेकिन मैं अब उसको एडिट करूंगा और अब उसको टाइमली अपलोड भी करूंगा। इस बार होली में गया घर पे, तो मेरा जो फ़ोन था जिससे मैं शूट करता हूँ, मेरा फ़ोन गिर गया। जब मेरा फ़ोन गिर गया तो मेरा फ़ोन टूट गया था, तो उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद फिर वो फाइनली रिपेयर हुआ भी नहीं अच्छे से, और उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत लो हो गई। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने रूममेट दीपक के फ़ोन से कर रहा हूँ। फ्यूचर में एक हम भी आईफोन लें और फिर से आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट करके दें, तो ये मेरा अभी तक टारगेट था। अगली चीज़ और एक गुड न्यूज़ है इस चैनल के लिए कि मेरा जो चैनल है वो फाइनली मोनेटाइज हो गया है। और थैंक यू आप सबके लिए, ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रही हैं। और इसके साथ साथ मैंने आज लाइव स्ट्रीम भी की थी, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई, वो तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने सोचा कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे वो उनके आंसर में दे दूं। तो इसके लिए एक अच्छी बात और है, स्क्रीन पे ज्वाइन बटन शो हो रहा होगा, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल के ऑफिशियली मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो कि ऑफिशियली पब्लिक नहीं होगा, जो केवल उन लोगों को मिलेगा जो चैनल के मेंबर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे BTS, मतलब बिहाइंड द सीन, जो एक्चुअल वीडियो के जो कॉमेडी होती है जो और फन पार्ट होता है, अगर आप वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर और इनसाइट जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर फाइनली बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के लिए जो आप लोगों ने पूछे थे। एक क्वेश्चन था, भाई तुम बिहार से हो? तो नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हूँ, कानपुर के पास से हूँ। दूसरा बंदा पूछ रहा है KV किधर है? IIT पटना के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय भी है जो कि गेट नंबर 2 के पास है, बिल्कुल साइड में है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपकी ब्रांच कौन सी है, तो मेरी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, और मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताए, लेकिन मैं फिर भी से एक बार क्लियर कर देता हूँ। हाँ, लोग पूछ रहे थे भैया फुल कैंपस कब बनेगा, तो देखो यार फुल कैंपस का तो अभी हमको खुद पता नहीं है कब कम्प्लीट होगा। धीरे धीरे बिल्डिंग्स कम्प्लीट हो रही हैं और धीरे धीरे ऐसे ही होंगी। अभी जब हम लोग घर पे थे उस टाइम पे, ऑनलाइन के टाइम पे, तो हमसे कहा गया था जो अभी कॉलेज की बड़ी वाली लाइब्रेरी बन रही है, कहा गया था सेकेंड ईयर तक बन जाएगी, लेकिन उसमें काम अभी चला ही नहीं है, काम अभी उसमें बंद है, तो अनएक्सपेक्टेड है कब। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे भैया आपसे मिलना है, अगर आपको मिलना है तो आप, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा, जब भी मैं पटना आऊंगा तो कानपुर के आसपास से हैं तो आप कानपुर में भी हम मिल सकते हैं। अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके फॉलो कर लें तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो भैया साइकिल कहाँ से ले? साइकिल लेना जरूरी भी है और बहुत सारे लोगों ने ली भी नहीं है, क्योंकि जरूरी इसलिए क्योंकि कैंपस के अंदर बस है, लेकिन वो बस क्योंकि पता नहीं ना, वो तो अपने टाइम से चलती है, तुमको कब जाना होगा, कहाँ जाना होगा, तो साइकिल लेना जरूरी है। और आप कहीं से भी ले लो, कॉलेज से अगर लोगे तो थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, अगर आपके ऊपर है आप कहाँ से लेना चाहते हैं। एजुकेशन लोन कैसे मिलता है? पहले तो आपका अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है तो जो एजुकेशन लोन है वो कॉलेज के थ्रू ही मिलता है, तो आप उसके बेस पे एजुकेशन लोन ले सकते हैं, कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। लोन वाले ऑलरेडी उस दिन आपके कॉलेज में होते हैं जो लोन ले सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको कॉलेज का प्लेसमेंट देखना है तो आप कॉलेज की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट देख सकते हैं। IIT पटना वर्सेस IIT इंदौर, तो देखो यार अपना कॉलेज अपने आप में अच्छा होता है, चाहे वो पटना हो चाहे इंदौर हो, डिपेंड करता है कि वहाँ की फैकल्टी और वो कब बना हुआ है। एक्चुअली जो पटना और इंदौर दोनों सेकेंड फेज के IIT हैं, तो इसको हम पहले फेज की IIT से कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड हैं। तो अब देखते हैं ग्रोथ इन फ्यूचर किसकी अच्छी होती है, IIT पटना की होती है कि इंदौर की होती है। अगर प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो पटना आगे है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो आई थिंक इंदौर आगे होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हैं। ये सारे थे आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जो नहीं हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट भी मिलती रहेगी। और इसी के साथ फिर करते हैं आज का वीडियो ख़त्म, मिलते हैं किसी नए एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का। ओके बाय। Give it to me like